हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हमने आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में प्रॉपर डिटेल बात करेंगे जो हर किसी पेट ओनर्स के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो सबसे पहले जब भी आप अपने डॉग्स को देखते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रखे होती हैं, बार बार इचिंग करती हैं, उनकी जो बालों को साइड में करके देखें तो उनके काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो रखी होती है, रैशेस पड़ जाते हैं, बम्प्स बन जाते हैं, तो अनयूजुअल काफ़ी ज़्यादा स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने पेट में नज़र आए तो आप साथ के साथ आप ये समझ आइए कि आपके पेट को इस टाइम स्किन प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप नियर बाय जो भी आपको वेटनेरियन अच्छे वेटनेरियन लगे, आप उनके पास जाइए, उनको प्रॉपर आप चेक करवाइए और डायग्नोस करवाइए और उस चीज़ का कारण भी आप उनसे पता कीजिए। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर एलर्जी स्किन प्रॉब्लम्स होती है वो किन कारण से होती है। सबसे पहले तो होती है फूड एलर्जी। जो नॉर्मली आजकल काफ़ी फूड ऐसे हैं जो आपको अगर प्रॉपर गाइड ना करें तो अगर आप उन चीज़ों को देना शुरू कर दें तो वो चीज़ों से आपके पेट को काफ़ी जल्दी फूड एलर्जी होने शुरू हो जाती है। जैसे कि हमारे पास प्रॉपर डाइट चार्ट भी बने हुए हैं, हम आगे आपको उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे क्या चीज़ देना चाहिए, क्या चीज़ नहीं देना चाहिए। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एलर्जीज। जैसे ही मौसम चेंज होता है, कुछ कुछ पेट्स को बारिश में एलर्जीज होना शुरू हो जाती हैं, कुछ को गर्मी में हो जाती है, कुछ को सर्दी में आती है, तो ये इन्वायरमेंटल एलर्जीज का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और नेक्स्ट है फ्लीस एलर्जी। फ्लीस टिक्स का सीज़न गर्मी आते ही शुरू हो जाता है। जैसे ही फ्लीस और इसका सीज़न शुरू होता है तो काफ़ी पेट्स को इन चीज़ों से भी काफ़ी ज़्यादा एलर्जी शुरू हो जाती है। तो आप अपने नियर बाय जो भी आपको पेट्स हैं एक बार उनसे ये चेक करवाइए कि उनको किस तरह की एलर्जी है। और फोर्थ है जो, उसमें क्या है, आपने अपने अपने पेट्स को प्रॉपर ग्रूमिंग करवाना है। कम से कम आप अपने पेट को डेली कॉम्बिंग कीजिए, 10 से 12 दिन के बीच में आप उनको प्रॉपर उनका बात करवाइए, या आप अपने घर में कीजिए। जब आप घर में करते हो तो एक तो प्रॉपर उनके लिए एक काफ़ी अच्छा जो मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ होते हैं स्किन के हिसाब से, आप वो अच्छे ब्रांड के ही यूज़ कीजिए, कभी भी लोकल ब्रांड का शैम्पू ना यूज़ कीजिए। और जब आप बाथिंग कर देते हो स्पा करने के बाद, उनको प्रॉपर ड्राई कीजिए, प्रॉपर सूखना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए। जब वो गीला रहेगा तो उससे भी स्किन प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब वो सूख जाएगा उसके बाद उसकी कॉम्बिंग जरूर कीजिए, ताकि जो उसका एक लेयर डेड हेयर्स की लेयर बन जाती है, मैटिंग बन जाती है, तो वो उसके ऊपर इकट्ठा ना हो, जो एक मेजर कारण होता है स्किन प्रॉब्लम का। और उससे नेक्स्ट है आप अपने अपने पेट्स को प्रॉपर एक बैलेंस डाइट दीजिए, जिसमें प्रॉपर डाइट चार्ट बनाओ जो आपके पेट्स की स्किन के लिए बहुत बढ़िया हो। जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, वो हमेशा यूज़ कीजिए, कोशिश कीजिए। जैसे ही आपका पेट है थोड़ा अडल्ट होता है तो उसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 रेगुलर यूज़ करना चाहिए। मल्टीविटामिन कैल्शियम रेगुलर देना चाहिए, उससे क्या बॉडी में कोई चीज़ की कमी होती है तो सबसे पहला रिएक्ट करते हैं स्किन के ऊपर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट दीजिए जो उनके लिए बेटर है। तो इन चीज़ों का आप अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे आपके डॉग को स्किन प्रॉब्लम का काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलेगा। और एक और चीज़ है, जैसे आप अपने अपने घर में कई बार कुछ केमिकल्स यूज़ करते हो, फ्लोर क्लीनर यूज़ करते हो, या आप गार्डन में स्प्रे कर देते हो, तो कोशिश कीजिए आप अपने पेट्स को या तो घर से बाहर कहीं रखिए, या उनको कुछ टाइम के लिए कहीं और जगह में शिफ्ट कर दीजिए। इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जीज होती हैं। और उसके बाद क्या है, आपने नेक्स्ट स्टेप है जो इनका, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं उन्हीं की तरह ये भी स्ट्रेस ले जाते हैं पेट्स में भी। जब आप कभी कहीं बाहर चले जाओ उस कारण भी स्ट्रेस ले जाते हैं। ये भी एक काफ़ी पेट्स का हम देखने को मिलता है कि ये मेजर प्रॉब्लम आ चुकी है, कि जैसे कुछ डॉग्स हैं जो स्ट्रेस में आना शुरू कर देते हैं, डाइट लेना बंद कर देते हैं, तो इस कारण भी काफ़ी डॉग्स को स्किन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए आप नियर बाय जो वेटनेरियंस है उनको आप रेगुलर चेक करवाइए। चेक करवाने के बाद जो भी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा वो आप उनको टाइम टू टाइम देते रहिए। और आपको हमेशा चाहिए कि आप अपने पेट्स को मिनिमम 6 महीने में कम से कम एक बार प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाइए, ताकि आपके पेट को कभी भी आने वाली या आ चुकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो बीमारियां होंगी, उसके बारे में आपको पता लगता रहे, और आप उससे बीमारी को, प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम टू टाइम करवाते रहें। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, आपने कभी भी जो आपने देखा होगा कि आप नियर बाय डिस्कस करते हो किसी और के साथ, कोई आपके नोन है जहाँ कोई भी है, जहाँ आप गूगल से सर्च करते हो, कभी भी ये मत देखिए कि हमेशा एक डॉग का दूसरे डॉग का स्किन एक जैसा होगा, एक डॉग की प्रॉब्लम दूसरे डॉग के जैसे ही सेम होगी। आप हमेशा कंसल्ट कीजिए नियर बाय किसी भी अच्छे वेटनेरियन से,
और उनसे कंसल्ट करने के बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है आगे ज़्यादा ना बढ़ सके। स्किन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर एक बार शुरू हो गई तो इतना जल्दी वो ठीक नहीं होती, उसको ठीक होने के लिए 2 से 4 महीने आराम से लग जाते हैं। फ़र्क नज़र आने में आपको हफ्ता भी लग जाता है जैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। तो अगर आप मेडिसिन लेना छोड़ दोगे तो उस चीज़ का जो है प्रॉब्लम उधर की उधर फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। सो आप स्किन प्रॉब्लम की जो मेडिसिन है रेगुलर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कीजिए, और जब तक वो आपका पैट ठीक नहीं होता तब तक आप मेडिसिन ज़रूर लीजिए। ओके, थैंक यू। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम लगती है तो हमारे दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, ताकि आपका पेट हमेशा हेल्थी रहे। थैंक यू।